भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। खेलों से जहां एक तरफ शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक तनाव को दूर करने तथा नशे से दूर रहने के लिए भी खेल अच्छा साधन है। हर युवा को सेहतमंद रहने के लिए खेलों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह बात उपमंडल स्वारघाट के स्वाहन वार्ड के जिला परिषद सदस्य मान सिंह धीमान ने स्वारघाट स्थित बलिया मैदान में आयोजित किए जा रहे 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए कही। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में क्षेत्र की लगभग 30 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के आयोजक अक्षय ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। उन्होंने बताया कि विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 18,000 व रनर अप को ट्रॉफी के साथ 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज जो यहाँ स्वारघाट कमेटी द्वारा ये उपमंडल है, इसके द्वारा एक मतलब ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन रखा था, जिसमें हमें यहाँ आमंत्रित किया था और उसी उपलक्ष में हम यहाँ मेरे साथ हमारे पंचायत समिति के मेंबर श्री रंगीराम ठाकुर जी और मंझेड़ पंचायत के प्रधान सोहन लाल जी, तो साड़ी कुटेला पंचायत के प्रधान रोहित ठाकुर जी और इसके अलावा और मेरे साथी सारे गणमान्य व्यक्ति जो भी यहाँ के स्थानीय है, सबे यहाँ मेरे साथ आए हैं और इनका मैं यहाँ आने पर अपने ओर से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जैसा कि खेल कूद का बहुत ही एक ज़्यादा एक ऐसी प्रक्रिया खेल कूद की होती है, क्योंकि इसमें जैसे मान लो कोई एक दुकानदार है, उसको 3600 सामान इकट्ठा करके लाना पड़ता है और उसके बाद वो अपना जो रोजी रोटी कमाता है, और खेल कूद का जिसका मतलब एक बहुत ही अच्छा अनुभव बन जाए खेल में, तो उसमें क्या है एक उसकी अपनी जो शारीरिक एक्टिविटी के द्वारा ही वो अपने एक बहुत ही चंगा मतलब अपने अपना नाम भी कमा सकता है और जैसे धन भी कमा सकता है और सारा ही कमा सकता है। तो इसके मैं जो यहाँ के समस्त कुटेला निवासी और जितने भी यहाँ मतलब ने क्लब या उपमंडलों के जो भी प्रधान हैं, मैं सबको इस उपलक्ष्य पर अपनी ओर से अपने जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 की ओर से मैं इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक खेल कूद का बहुत अच्छा जो इन्होंने आयोजन किया है और हमें जो यहाँ हमारा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं आपका और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ प्रतियोगिता करवाने का जो एकमात्र लक्ष्य है वो है कि युवाओं को नशे से दूर करना, और साथ ही साथ हमारे जो युवा हैं वो अपनी फिटनेस के लिए भी प्रेरित होंगे, और जो हमारे यहाँ पे जो स्वारघाट युवा कमेटी है उनके द्वारा यह प्रतियोगिता करवाई जा रही है। साथ में हमारे यहाँ पे 3 जो युवक मंडल है वह भी हमारे साथ यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। एक हमारा कुटेला पंचायत का युवक मंडल है, एक जोरीपत्तन का है, एक काथला का है। ये तीनों युवक मंडल भी हमारा साथ दे रहे हैं तथा हमारे यहाँ पे आए आज के माननीय अतिथिगण का भी हम यहाँ पे पधारने पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।